लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। खुसरो का नाम सामने आते ही उनकी शख्सियत, मोहब्बत की इबादत और इंसानियत जीवंत हो उठती है। एक अलग सा एहसास दिल को छू जाता है। दिल को छूती शेरो शायरी एवं गीत संगीत से परिपूर्ण और हजरत आमिर खुसरो की शख्सियत, इंसानियत और रूहानी मोहब्बत भरी दास्तां प्रस्तुत करती एक ऐसी संध्या रंग एक खुसरो गैर सरकारी संगठन साक्षी द्वारा दिल्ली के सांस्कृतिक हब इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित की गई, जहां गुलाबी ठंड के बीच दिल्ली वासियों ने सितार और आशार एवं कलाम एक खुसरो शीर्षक के अंतर्गत दो भागों में शेरो शायरी, कविताओं, सितार की धुनों एवं गजल से रूबरू होने का अवसर मिला। सूफियाना कलाम व संगीत के लिए तैयार मंच और श्रोताओं का उत्साह। कार्यक्रम की मेजबानी में मृदुला टंडन को भी खासा उत्साहित कर रहा था। उन्होंने दर्शक दीर्घा में मौजूद कला सांस्कृतिक क्षेत्रों के संग शमा जलाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की, जिसके बाद जाने माने शायर व साहित्य जगत से जुड़ी शख्सियत लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने शायरी के साथ रूहानियत भरी संध्या का सफर शुरू किया। शायरी के इस सफर को जाने माने मीडिया कर्मी और लेखक प्रताप सोमवर्सी ने आगे बढ़ाया। गीत संगीत की शुरुआत सितार वादक सुदीप राय ने की और अपने सितार वादन से उपस्थित मेहमानों व अन्य को गदगद किया। शाम का अगला चरण उस्ताद शकील अहमद के नाम था। उनके गायन को सभी कलाकारों की संगत ने बखूबी गुंजायमान करते हुए दिल्ली वासियों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम की शुरुआत से अंत तक महफिल में उपस्थित दिल्लीवासी वाह उस्ताद करते नजर आए।